अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का सीएनआई न्यूज में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज हम ये जो यहाँ मीटिंग लगाए, ये प्रेस मीट जो भी लगाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी यहाँ हमारे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जो हमारे प्रिय सीएम जो अपने तेलंगाना स्टेट के हमारे कलवाकुंडा केसीआर जी जो और हमारे बीजेपी विधायक गोशामहल के राजा सिंह जो अपशब्द जो भी कहते हैं उनके बारे में पहले उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के देख ली। हम उनको खबरदार करते हैं कि अब तक जो भी उन्होंने बयाना दे रहे वो संभल के दीजिए, क्योंकि सीएम साहब के जो भी स्कीम्स है तेलंगाना में आप खुद ठहर के वहां पर कन्या लक्ष्मी शादी मुबारक या बीसी के जो भी चेक्स है आप खुद बांटते, वो किसके बांटते, वो जो हमारे सीएम साहब जो हमारे जो स्कीम्स लाए आप वो बांट रहे, फिर सब आप कर ले के बाद में हमारे सीएम ये कर रहे हैं वो कर रहे बोल के जो अपशब्द आप बोल रहे हैं इसके लिए हम आपको खबरदार करते हैं। और डबल बेडरूम, आप डबल बेडरूम गोशामहल कॉन्सीसी में तीन जगह काम चल रहा, एक फूलबाग में और एक अपना गोशामहल में और एक अपना गनफोंडी डिवीजन में, ये तीन भी काम आपकी कॉन्सीसी में चल रहे है। आप पहले आप क्या कर रहे वो सोचिए और वो पब्लिक के बीच में आप कामों को लाइए जो आप जो काम कर रहे है। आप उठे छुटे कि सीएम साहब ये गौ रक्षा के बारे में ये चेक पोस्ट नहीं डाले ये नहीं डाले, अब ये गलत बयानबाजी रोकिए, क्योंकि हर बार हर साल हर जगह चेक पोस्ट गिरते हैं और गांवों के जो जो बॉर्डर है जो हैदराबाद के आने के जो रास्ते हैं वो सभी रस्तों पर जो पुलिस को जो भी जब भी उनको कन्फर्मेशन मिला वो लोग आए और अपने अपना जो फर्ज है पूरा करे। और खाली आप ये बयानबाजी करके ये मैं जाके पार्टी को इस्तीफा देके मैं ऐसा करूंगा वो करूंगा ये सब आपकी जगह रखिए। जब जो भी 2018 और 2019 में जो इलेक्शन आ रहा उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तेलंगाना में जो कार्य आज हमारे चंद्रशेखर जी जो काम कर रहे हैं और जो नंबर वन सीएम बन के आए हिंदुस्तान में, कई राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर आपका कोई सीएम नंबर वन नहीं आया? तेलंगाना गवर्नमेंट के सीएम नंबर वन क्यों आए? क्यों बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जो केटीआर किड है अम्मा अपने कल्लो अबे अपना कंटी वेलगू जो एक प्रोग्राम लेके आए 15 अगस्त से और हरितारम प्रोग्राम और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जो आज पब्लिक के बीच में तेलंगाना गवर्नमेंट जो लेके आई आज पब्लिक उनको पसंद कर रही और जो तेलंगाना गवर्नमेंट में जो काम हो रहे आज हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं हो रहे। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं और आप जो भी बात बोलेंगे खबरदार आप समझ सो समझ